नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इज अर्निंग बाय प्रभाष पे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक शानदार क्वार्टर और ये पर्टिकुलर स्टॉक एक से दो सालों में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाने वाला है, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ। और एक एक पॉइंट पे फोकस कर लीजिएगा ताकि अगर आपके पास ये स्टॉक 400 रुपए के लेवल से है, जहां पे देखिएगा पहली बार बताया गया था कि लॉन्ग टर्म में जो लोग भी आइडिया वोडाफोन को लेकर जा रहे हैं उन्हें फोकस करना है भारतीय एयरटेल पे, चूंकि जो बिजनेस है वो सॉलिड है और मार्केट में जो सॉलिड प्लेयर्स हैं वो है रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल, और पूरी तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी, फिर वहां से टर्न अराउंड, फिर ब्रेक इवन, फिर देखिएगा प्रॉफिटेबल और अब परफॉर्मेंस की बारी है। यानी कि होता नहीं कि आप पहले टुकुर टुकुर खेल रहे थे, अब जो लास्ट ओवर है, मिड ओवर है, जब आप सेटल हो गए हो तो अब सीधा देखिएगा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और शानदार रिजल्ट आए हैं, शानदार क्वार्टर देखने को मिला है, कमेंट्री तो एकदम जबरदस्त देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 466% का जंप किया है नेट प्रॉफिट ने और सबको शॉक कर दिया है, किसी ने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, शॉक कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो आरपू जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो 156 के अराउंड 160 के अराउंड देखने को मिला था, उसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है, 183 आरपू हो चुका है। सबसे सॉलिड देखिएगा जो पेनिट्रेशन किया है मार्केट में इन्हीं ने किया है, सबसे सॉलिड इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर भी इन्हीं के हुए हैं और सबसे सॉलिड रिजल्ट भी इसी पर्टिकुलर कंपनी के आए हैं, जिसके रिलायंस जियो में भी आपको देखिएगा ड्रॉडाउन देखने को मिला था, वो केवल और केवल भारतीय एयरटेल का असर था, चूंकि स्पीड अप कर रहे हैं और बहुत तेजी से नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार 1600 करोड़ के प्रॉफिट है, अपने एजीआर को, अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को, पूरी तरीके से ऑब्लिगेशन को सेट ऑफ करने में सक्षम हो चुके हैं और अब बिजनेस में फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू कर दिया है। तो पूरी तरीके से शानदार रिजल्ट आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देखेंगे जो कंसोलिडेट रेवेन्यू है वो भी 22% अप हुए हैं फ्रॉम ऑपरेशन 22%। अगर आप देखेंगे करोड़ इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवरी अक्रॉस द पोर्टफोलियो, तो आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया मार्जिन को चेंज किया है, सिनेरियो चेंज किया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर पूरा मूड और माहौल चेंज कर दिया है इतिहास के सबसे बेहतरीन रिजल्ट देकर। यानी कि अगर आप देखेंगे, चेकआउट करेंगे, बैलेंस शीट को चेकआउट करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस यहां पे दिखाई है, 465% का जंप देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट 1600 करोड़ नॉन अनएक्सपेक्टेड थे। द टेलको हैड रिपोर्टेड अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन प्रॉफिट एट 284 इन द ईयर एगो पीरियड। तो इस साल देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पिछले साल इनकी स्थिति क्या थी, क्या स्थिति थी, 284 करोड़ वो भी डिक्लाइन देखने को मिला था, आप देख सकते हैं। तो वहां से किस तरीके से देखिएगा अपने आप को, पहले तो मार्केट में सर्वाइव करवाया, जब रिलायंस जियो आए, सर्वाइवल के बाद पेशेंस रखा, पेशेंस के बाद लॉस गए, फिर इतना देखिएगा जो एजीआर के इतने सारे देखिएगा जो आउटकम आए, जो फैसले हुए उसमें भी पेशेंस रखा और धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करा और कैप्चर करके पिछले दो क्वार्टर में बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है विदाउट एनी डाउट। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, और आरपू जो देखिएगा यहाँ पे 146 थे, ये तो बिल्कुल एकदम, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पर, यानी कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक साबुन बेच रहे हो, एक सोप बेच रहे हो, तो आपको पता है एक साबुन में आपको मार्जिन आ रहा है 2 रुपये का, कस्टमर उसके बढ़ रहे हैं लगातार, और वो 2 रुपये का मार्जिन अगर देखिएगा 2.5-3 रुपये हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती पर रेवेन्यू, जब आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं तो एक तो कस्टमर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर में लगातार फोकस है, उसके बाद आरपू भी बढ़ा दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर आ रहे हैं उनमें इनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसके कारण इतने सॉलिड रिजल्ट आए हैं। और ये
कस्टमर ला कहाँ से रहे हैं? ये रिलायंस जियो का जो डिक्लाइन हुआ है, जो आइडिया के कस्टमर लॉस हुए हैं, उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ, पूरी तरीके से रुझान में कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस करना कोई इनसे सीखे, बहुत ही शानदार बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद टोटल कैपेक्स देखिएगा, स्पेंड क्वार्टर स्टूड 6398 करोड़। एयरटेल ऑल्सो सेट द 4G कस्टमर ग्रू बाई 20 मिलियन। अगर आप देखेंगे एक साल के बेसिस पे 20 मिलियन अगर बढ़ गया है, तो अगर आप देखेंगे 63% का जंप देखने को मिल रहा है। और एयरटेल पेमेंट बैंक लगातार देखिएगा पेनेट्रेट कर रहा है, ये इनका नया सेगमेंट है। 65% का इंक्रीज देखने को मिला है एयरटेल पेमेंट बैंक। आप समझ रहे हो, ये अलग डोमेन है जिसपे ये वर्क कर रहे हैं और देखिएगा सक्सेसफुल हो रहे हैं, चूंकि इनके पास कस्टमर है। इनके पास क्या है? कस्टमर है। 5G स्पेक्ट्रम के बाद तो ये सबसे तेज स्पीड प्रोवाइड करेंगे। लीड टू इंडियाज 5G रेवोल्यूशन विद द एक्विजिशन ऑफ आइडिया। आइडियल स्पेक्ट्रम बैंक एटलीस्ट कॉस्ट फॉर बेस्ट 5G एक्सपीरियंस, 100x कैपेसिटी इन्हांसमेंट। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, इनको बहुत फायदा होने वाला है आने वाले एक साल में, इनको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। और काफ़ी बढ़िया स्टॉक ग्रो भी कर चुका है। और अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में 100%, यानी पूरा पैसा डबल हो चुका है 400 रुपये से। और आगे चल के भी अब इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी अगले हफ्ते, और ये पर्टिकुलर देखिएगा इस वीक में भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा। तो फोकस करिएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो सेल मत करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।